नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे जो TIA पोर्टल है उसके अंदर हम किस तरीके से फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपना हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम TIA 14 पे वर्क करेंगे। जो TIA 14 है, इसी तरीके से इसके वर्जन्स बहुत सारे हैं। जो अभी लेटेस्ट मार्केट में है वो TIA 17 और 18 अवेलेबल है। तो बेसिकली जो ये वर्जन्स हैं, इसके अंदर जो CPU हम इस्तेमाल करेंगे उसके जो फर्मवेयर वर्जन है, दैट इज़ कि जो उसके अंदर चिप लगी हुई है उसका जो सॉफ्टवेयर है उसके वर्जन्स के बिहाफ पे ये डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। प्लस इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा फाइल्स भी अवेलेबल होती हैं। वर्जन जब चेंज होते हैं तो एक्स्ट्रा फाइल्स भी अवेलेबल होती हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम TIA 14 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डबल क्लिक करेंगे TIA 14 पे। देन इस तरीके का एक यूज़र इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि हमें एग्जिस्टिंग चीज़ों पे काम करना है या हमें कोई नई फाइल क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। या तो हम यहाँ पे कोई भी जो चीज़ है न्यू उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट व्यू दिया गया होता है उसके थ्रू हम यहाँ पे उसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम अपना नॉर्मल तरीके से क्रिएट करते हैं एक फ़ाइल। जब हम क्रिएट करेंगे तो हमसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। लेट्स सपोज हम एक नाम दे देते हैं स्टार्ट। देन पाथ हमें कहाँ पे उसको सेव कराना है, कौन सा वर्जन पे हम काम कर रहे हैं। अगर कोई प्रोग्राम से रिलेटेड कोई कमेंट्स लिखना है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन क्रिएट करेंगे। देन क्रिएट करने के बाद हम दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे जहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि हमें जो है एग्जिस्टिंग जो मॉड्यूल्स लगे हैं उस पर वर्क करना है, या फिर हमें खुद का नया हार्डवेयर क्रिएट करना है, या फिर कोई प्रोग्राम राइट करना है। तो हम यहाँ से अपना जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या कोई नया कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें कोई डिवाइस का करना है या फिर डायरेक्टली हमें प्रोग्राम बनाना है तो वो हम यहाँ से क्लिक करके उस ऑप्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कोई न्यू डिवाइस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, देन कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, देन ऐड न्यू। तो हमसे यहाँ पे ये ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि किस कंट्रोलर पे काम करना है, दैट इज़ किस PLC पे काम करना है, HMI पे काम करना है। तो हम यहाँ पे HMI को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम PLCs को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो TIA पोर्टल है वो S7 1200, 1500, 300 एंड 400 और ET 200 CPUs के लिए अवेलेबल है। तो अभी जो हम वर्क करेंगे वो S7 1200 पे वर्क करना है। तो S7 1200 पे हम क्लिक करेंगे, देन CPUs पे क्लिक करेंगे। देन इतने CPUs हमारे पास अवेलेबल हैं S7 1200 में, जैसे 1211C है। देन इसी के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, AC DC रिले, DC DC DC, DC DC रिले। तो इनका मतलब क्या है? फर्स्ट जो है इंडिकेट करता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो इंडिकेट करता है वो पावर सप्लाई को इंडिकेट करता है कि PLC को ऑपरेट होने के लिए कितनी पावर सप्लाई हमें उसको प्रोवाइड करनी है। तो अगर हम AC DC रिले का इस्तेमाल PLC का इस्तेमाल करते हैं तो हमें AC पावर देना होगा। अगर DC DC का इस्तेमाल करते हैं तो 24 वोल्ट DC देना होगा। DC 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 रिले का है कि हमें 24 वोल्ट DC अप्लाई करना होगा PLC को ऑन करने के लिए। नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है DC DC DC, ये जो चीज़ है ये इनपुट आउटपुट्स के लिए हैं। तो टोटल जो हमें इनपुट आउटपुट्स यहाँ पे मिल रहे हैं उन पर जो पावर देनी है हमें वो 24 वोल्ट DC देनी है। एंड जो लास्ट अल्फ़ाबेट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आउटपुट टाइप, दैट मीन्स आउटपुट किस तरीके से हमें मिलेगा। रिले है, दैट मीन्स कि एक इंटरनल रिले ऑपरेट होगी, देन हमें आउटपुट ऑपरेट मिलेगा।
डीसी का मतलब है कि एक इंटरनल डायोड ऑपरेट होगा, देन हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश किया गया है। तो फर्स्ट एसी डीसी रिले का मतलब हो गया कि एसी पावर है, डीसी इनपुट आउटपुट है, और रिले जो है का मतलब हो गया कि जो आउटपुट टाइप है वो रिले बेस्ड है। डीसी 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 के अंदर डीसी पावर है ऑपरेट करने के लिए, डीसी ही इनपुट आउटपुट के लिए है, और एक डीसी जो डायोड है उसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा। डीसी डीसी रिले का मतलब हो गया डीसी पावर है, डीसी इनपुट आउटपुट से, और रिले बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम इनमें से कोई भी एक ऑपरेट करते हैं, लेट सपोज डीसी डीसी डीसी, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी कई मॉड्यूल्स के कैटलॉग नंबर मिलेंगे हमें, जिसके थ्रू हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो हार्डवेयर है उसके साथ हम ये कैटलॉग नंबर का मैचअप करेंगे कि जो भी हमारा हार्डवेयर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो कैटलॉग नंबर को मेंशन करेंगे। जब हम एक बार कैटलॉग नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हमसे पूछा जाता है फर्मवेयर वर्जन। दैट मीन्स कि जो सीपीयू हमने सेलेक्ट किया है, जो कैटलॉग नंबर हमने सेलेक्ट किया है, उसका फर्मवेयर वर्जन क्या है। वो हर TIA पोर्टल के वर्जन में अलग हो सकता है, जैसे कि 14 में जो होगा 4.0, 4.1, 4.2, लेट सपोज। अगर यही हम वर्जन 15 पे काम करते हैं, 16 या 17 पे, जैसे जैसे हायर वर्जन्स होते जाएंगे, वैसे वैसे जो फर्मवेयर वर्जन्स उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो है वर्जन्स के अंदर वो इंटीग्रेट होते जाएंगे और हैवी वर्जन्स आते जाएंगे। जैसे लेट सपोज कि ये TIA 14 सपोर्ट करता है 3.9, 4.0, 4.1 को। हो सकता है जब हम 15 पे काम करें वहाँ पे वो 4.1 पे, 4.2 या 4.3, 4.4 तक अवेलेबल हो। ऐसे ही 17 या 18 पे काम कर रहे हैं तो वो 4.5, 4.6 या 4.7 तक वो अवेलेबल हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सॉफ्टवेयर, उसी तरीके का हमें यहाँ पे फर्मवेयर वर्जन को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे वो आर्टिकल नंबर आ जाएगा, जैसे हम यहाँ से कोई भी सिलेक्शन करेंगे कैटलॉग नंबर का, और उसके नीचे उसका वर्जन आ जाएगा, और उसके सीपीयू का टोटल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि कितनी वर्क मेमोरी हमें मिल रही है, कितने हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑनबोर्ड अवेलेबल है, पर इंस्ट्रक्शन कितना स्कैन टाइम रहने वाला है, कितनी एक्सपेंशन हम कर सकते हैं सीपीयू के अंदर। वो सारा डिटेल जो है सीपीयू का वो इस चीज़ पे अवेलेबल हो जाएगा, इस एरिए पे। तो जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो ये तीन कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, जो कि एक कैटलॉग नंबर है। अगर हम किसी भी कैटलॉग नंबर पर लेट सपोज सेलेक्ट करते हैं तो उसके बॉटम लेफ्ट एंड राइट एंड साइड में उसका कैटलॉग आ गया, मॉडल किस तरीके से दिखेगा, उसका फर्मवेयर वर्जन। अगर हम यहाँ वर्जन पे क्लिक करते तो TIA 14 जो है वो 4.0 से 4.2 तक को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से 15, 16, 17 या 18 पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे जो वर्जन नंबर है वो 4.3, 4.4, 4.5 से स्टार्ट हो रहा हो, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कितनी वर्क मेमोरी है इसके पास, किस तरीके की पावर सप्लाई है, किस तरीके से हम इनपुट आउटपुट को सिंक और सोर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर 4 डिजिटल आउटपुट्स हैं, 6 डिजिटल इनपुट्स हैं विद 2 एनालॉग इनपुट्स हैं, और जो ऑनबोर्ड जो कम्युनिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे हम 3 कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 0.04 मिली सेकेंड पर 1000 इंस्ट्रक्शन का स्कैन टाइम है, और इसका जो कम्युनिकेशन है वो प्रोफिनेट है फ्रॉम PLC टू PLC अगर हम करते हैं, या PLC टू HMI अगर हम करते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रोफिनेट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें इसके अंदर कुछ और इनपुट आउटपुट या कम्युनिकेशन मॉड्यूल अटैच करना है, देन हम वहाँ पे उस इंटरफेस पे इस्तेमाल करके अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो
कुछ इस तरीके से वो यूज़र इंटरफेस हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें जो हमारे पास यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि इसके अंदर जो है एक्सपेंशन तो सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड कोई एक्सपेंशन नहीं लगा हुआ इसके अंदर। अब जैसे राइट हैंड साइड में हमने देखा था कि सिर्फ हम यहाँ से कम्युनिकेशन बोर्ड ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं अपने मॉड्यूल्स के ऊपर, तो यहाँ से हम अपना कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाते हैं। लेट सपोज कि अगर हम कोई डिजिटल इनपुट मॉड्यूल लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एरिया है सिर्फ वो कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल है। तो लेट सपोज एक हम प्रोफिबस का कार्ड लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे वो अटैच हो जाएगा उसके साथ हार्डवेयर के अंदर। लेकिन अगर ये तो हमने अभी सॉफ्टवेयर में कर दिया, इसी तरीके से ये वाला कार्ड जो है हमारा हार्डवेयर में भी अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो जाके कॉन्फिगर होगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई इसके अंदर रिप्लेस करते हैं, लेट सपोज अगर हम सीपीयू को हम कोई दूसरा और सीपीयू लेते हैं, लेट सपोज हम लेते हैं कोई 1214 डीसी डीसी डीसी, तो इसके अंदर जो है तीन हमें कम्युनिकेशन कार्ड्स मिल रहे हैं और राइट हैंड साइड में 8 एक्सपेंशन कार्ड्स हम लगा सकते हैं, जहाँ पे हम अपना डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट या कोई कम्युनिकेशन प्रोसेसर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होगा ये हमारे सीपीयू पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का हमारा सीपीयू का नंबर अवेलेबल है। और ये जो एरिया रहेगा ये हमारा प्रोजेक्ट ट्री रहेगा, जिसके अंदर हम अपने जो प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो सीमेंस के अंदर हमें ओबी दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक मिलता है, एफसी दैट इज़ फंक्शन ब्लॉक मिलता है, एफबी फंक्शन ब्लॉक, एफसी फंक्शन, डीबी का मतलब है डेटा ब्लॉक। तो ये हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ से अगर हम जाते हैं तो OB1 बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरीके से एक यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें लैंग्वेज चेंज करना है तो जस्ट इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, देन हम यहाँ से अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज पे हमें इसका प्रोग्राम बनाना है। इधर हम यहाँ से चेंज कर लें या फिर हम अपना व्यू, यहाँ से भी एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स में जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर जैसे कोई हम नया ब्लॉक क्रिएट करते हैं, लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, कोई भी एक हमें साइक्लिक ब्लॉक क्रिएट करना है, देन भी यहाँ से भी हम अपना जो है लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें एफबी में चाहिए दैट इज़ फंक्शन ब्लॉक ब्लॉक में चाहिए, या एलईडी दैट इज़ लैडर पे हमें प्रोग्रामिंग बनानी है, एससीएल सिक्वेंशियल कंट्रोल सिक्वेंशियल कंट्रोल लॉजिक्स पे प्रोग्राम करना है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। और जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू हमें मिलता है वो डिवाइस व्यू कहलाता है। नेटवर्क व्यू का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस किस के साथ हमने इसको अटैच किया है वो हम यहाँ शो कर सकते हैं। और टॉपोलॉजी का व्यू है कि अगर हमने प्रोफिबस प्रोफिनेट सारा हमने कम्युनिकेशन किया हुआ है, मोडबस का कम्युनिकेशन किया हुआ, किसके साथ किया हुआ है, वो हम अपना टॉपोलॉजी व्यू में चेक कर सकते हैं। या फिर कोई हमने फील्ड में कोई एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट कार्ड एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड इनपुट आउटपुट कार्ड्स बोलते हैं, वो किस तरीके से हमारे पीएलसी के साथ अटैच है, प्रोफिबस पे है, प्रोफिनेट पे है, या कोई हमने कोई स्केलेंस का बीच में कोई कार्ड लगा के हमने इंटरफेसिंग को या स्विचिंग की गई है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपना वेरीफाई कर सकते हैं सारी चीज़ें।
तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपना वेरीफाई करके उसको चेक कर सकते हैं। लेट सपोज कोई डिजिटल इनपुट कार्ड लगाना है, देन यहाँ से हमसे पूछा जाता है कि कितने इनपुट्स का हमें कार्ड चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन हमसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इस डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसके पास 8 इनपुट्स हैं टोटल 24 वोल्टेज डीसी के, जिसको हम सिंक सोर्स कर सकते हैं। या फिर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बता दिया जाएगा कि हम किस पोजीशन पे इसको लगा सकते हैं, जो ब्लू कलर हो गया। तो जस्ट सिंपली हम इसको ड्रैग करके किसी भी पॉइंट पे छोड़ सकते हैं। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारे पास सीपीयू अवेलेबल है तो उसकी अगर हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है, देन हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे ऊपर के साइड, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ से हम सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस तरीके से हम इसको ओपन वगैरह करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हार्डवेयर को। थैंक यू।